काम क्या था कि हिरोइन को उठाना, साड़ी खींचना, दुपट्टे खींचना और फिर गाली बात करना, गालियां सुनना, कुत्ते कभी ने घर में माँ बहन नहीं है ऐसा कुछ बोलती थी लड़की हीरोइंस। आजकल फैशन बदल गया, हीरोइंस कपड़े नहीं पहनती हैं, तो मैं क्या खींचूंगा क्या फाड़ूंगा, तो इसलिए मैं इस फिल्म में नहीं हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे चाहे इस मौके पे शामिल किया गया है। मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया इसमें, इसने एक ही फिल्म में सब कुछ दिखा दिया, एक्शन, दारू, म्यूजिक, डायलॉग, कमाल कर दिया है सब कुछ। और आपने भी, हाँ जी, बड़ी सपोर्ट की है, बहुत अच्छा किया है। विश यू ऑल द बेस्ट, कभी बाप का रोल कर रहा हूँ तो मुझे याद करना, ओके, ऑल द बेस्ट गुरु जी। बस भाग्य विधाता को बधाई देने आया है, बहुत जमाने के बाद दोनों चाचा भतीजा सामने, दिलीप से समीर से, बड़ी खुशी की बात है। और नई जोड़ी को मुबारकबाद देने आया हूँ, हमारे राकेश पांडे जी भी हैं, मैडम भी हैं, पंडित जी भी हैं, गुरु जी हमारे, गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता हमको। मैं इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए खास अभी अभी आए हैं, कटनी से आ रहा, कटनी से आए कटकना के। एक इंसान की फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा गलत होता है, तो वो किस तरीके से फ्यूचर में जाके अपनी फैमिली का रिवेंज लेता है, पूरी स्टोरी इसी के ऊपर बेस्ड। अच्छा जी, तो कैसा अनुभव था शूटिंग के दौरान, क्या क्या अनुभव किए? थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा कहीं कहीं जगह पे बहुत ज़्यादा इजी था और कहीं कहीं जगह पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। बिकॉज उस टाइम के लिए मैं फ्रैक्चर्ड हुआ था, लेकिन शेड्यूल चल रहा था तो उसको रोक नहीं सकते थे, तो उस दौरान थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई, बाकी सब ठीक था। देखिए कंटेंट वाली फिल्में आज भी सुपर हिट होती है, चाहे उसका बजट छोटा भी हो तो करोड़ों का धंधा करती है, और अगर कंटेंट नहीं है तो करोड़ों की फिल्म कवरेज भी नहीं करती है। तो आज मतलब टाइम अच्छा है, बिजनेस पहले से बहुत अच्छा है, लेकिन मेन ये है कि कंटेंट को साइडवेज कर दिया गया है, टेक्निक बहुत अच्छी आ गई है, लेकिन कंटेंट और अटैचमेंट जो होता था पहले वो थोड़ा कम हो गया, उसकी वजह से मतलब हर फिल्म में कंटेंट नज़र नहीं आता। देखिए कंटेंट वाली कितनी छोटी फिल्म ये सामने सुपर हिट हुई, और बड़े बजट की फिल्में स्टार कास्ट के साथ भी फ्लॉप हुई, तो ऐसी अच्छे मैसेज वाली फिल्म है तो डेफिनेट नए स्टार के साथ भी चलेगी, और अच्छी मेहनत की है सब ने, और दिलीप सेन समीर सेन का म्यूजिक है तो कुछ तो उसमें बात होगी होगी। योगेश जी पहले बोलिए। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा अपने भतीजे अल्फा को जो आज यहाँ पर डेब्यूट हो रहे हैं, आज लॉन्च यहाँ पर हो रहे हैं। वैसे तो पूरे विश्व भर में आदरणीय दिलीप सेन साहब ने संगीत की दुनिया में एक ज़ोरदार धमाका किया है, दिलों में बसते हैं। आज उनके आमंत्रण पर हम लोग सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। भाग्य विधाता आज इस फिल्म का जो है म्यूज़िक लॉन्च यहाँ पर हो रहा है, और जिन्होंने इस म्यूज़िक में अपना ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन किया है, आदरणीय दिलीप सेन साहब, समीर जी, सुलक्षणा जी, रमेश जी, और हम लोगों के बहुत ही प्रिय मित्र मेहुल कुमार साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आदरणीय स्वामी जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सभी लोग इस फिल्म की सुपरहिट होने की कामना कर रहे हैं, और इसका म्यूज़िक इस देश में नहीं पूरे विश्व में ज़बरदस्त धमाका करेगा, यही मेरी शुभकामना। गुरु जी आप कुछ आशीर्वाद दीजिए। हम तो आए हैं शुभकामना देने के लिए कि ये पिक्चर सुपर हिट हो। मैंने ज़्यादातर काफ़ी सारी गुजराती फिल्मों में मैं काम कर रहा हूँ, और कई सारी सिल्वर जुबली भी हैं। अभी मेरी भोजपुरी फिल्म वीर अर्जुन भी रिलीज होने जा रही है। दिलीप सेन जी का मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऐसे नाइस टाइटल भाग्य विधाता पे, और उन्होंने जो मुझे बुलाया स्केच प्रमोशन पे, म्यूजिक के प्रमोशन में, और यहाँ पर अल्फा जी तो हमारे हैं, इन पे आ ही रहा हूँ, लेकिन एक अपने सुंदर योगेश दुबे जी हमारे भाई हैं इस प्रोग्राम में, हमारे स्वामी जी का जो चरण जो पड़ा है, बहुत बड़ी बात है, उमाकांत महाराज जी का, तो मैं कहूँगा ये बहुत बड़ी शुभ बात है। मैसेज देने का कोशिश की है, आज के समाज के अंदर जो दुनिया में हो रहा है, भाई भाई का दुश्मन है, खून खून का प्यासा है, खून के अंदर आज के ज़माने में बिल्कुल वो पहले वाले रिश्ते रह ही नहीं गए। मैंने उस तरह का एक संदेश देने की कोशिश की, बड़ा भाई कैसे छोटे भाई के अपने लालच के लिए छोटे भाई की प्रॉपर्टी हड़प करता है, छोटे भाई को किन हालातों से गुजरना पड़ता है, और बाद में उसका बेटा फिर अपने पिता से खड़ा हुआ है अन्याय की, अपने पिता के बड़े भाई से भाग्य विधाता बन के। संगीतकार दिलीप सेन और मेरे साथ गुरु जी हैं, योगेश जी हैं, पुष्पा जी हैं, राकेश जी हैं, अल्फा आर्यन और मेहुल कुमार जी, मेरे पार्टनर समीर सेन जी, बिटिया हमारी सुदक्षिणा जी, और इस फिल्म के बहुत ही प्यारे गीत लिखने वाले हैं प्रकाश जी। आज बड़ी खुशी का दिन है हम लोगों के लिए, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं तो बोलते हैं कि भैया इस फिल्म में हमने कुछ हटके काम किया है, पर आज मेरे अपने परिवार की एक फिल्म लॉन्च हुई है भाग्य विधाता,
मेरा नाम रुखसार मंसूरी है और मैंने इस फिल्म में आइटम सॉन्ग किया है, बहुत बढ़िया किया है, जिसका नाम है छम्मक छल्लो। तो बहुत ही जल्द आपके दिलों पे राज करूंगी। राज करूंगी, बहुत बढ़िया, अभी भी कर रही हो। और आपको इसके गीतकार से भी मिलाते हैं हम लोग, एम प्रकाश जी जरा बोलिए कुछ। टाइम ऐसा टाइटल है जिसको हम लोग आज से 20-25 साल पहले सब हमारी फैमिली में नाम होते थे, शब्द होते थे। और सबसे पहले पूरे भाग्य विधाता की टीम को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिलीप सेन जी, समीर सेन जी, जहाँ खड़े हो वहाँ म्यूजिक में कहते हैं साक्षात सरस्वती और भगवान सर आ जाते हैं। और ये टीम को हमारी पूरे राजस्थान की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। राजेश भट्ट जी, दो ने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है और तो काफी सालों से वो लोग बहुत फेमस तो है ही, तो गाने की दो लाइन मैं गुनगुनाती हूँ। चमक छल्लो है मेरा नाम बाबू, दिल वालों को कर दो गुलाम बाबू, दिल वालों को कर दो गुलाम बाबू। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।